गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2020 और हम आ चुके हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पॉइंट को। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डेली लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि डेली की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आता है तो आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, ईजिली आप प्रिपेयर कर सके अपने डेली करंट अफेयर्स को। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए ये आपका वेब पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए आज के करंट अफेयर्स आ चुके हैं। आपका पहला पॉइंट देखिए कुछ इस प्रकार से है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क पॉपुलरली नोन एज जंगल सफारी डेवलप्ड नियर द 182 मीटर टाल स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी के नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है जिसे 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास विकसित किया गया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है, देखिए आपका यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो प्रसिद्ध सरदार पटेल प्राणी उद्यान है उसका उद्घाटन किया है, जो कि आपके जो 182 मीटर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति बनाई गई है जिसको सरदार पटेल के नाम से बनाया गया है यूनिटी मूर्ति। और देखिए इसके बगल में ही आपका प्राणी उद्यान जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर 2, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल गेट्स एक्रेडिटेशन कंफर्मिंग टू ISO 17020:2012 बाई नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी NABCB क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI फॉर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पादक परिषद की, इसको हम यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण जैसे जांच कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड यानी अगर हम बात करते हैं NABCB की तो उसने देखिए यहाँ पर भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI से ISO आपका 17020:2012 की मान्यता मिली है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पर देखिए NABCB के लिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए पॉइंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्या है, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ए मैसेजिंग ऐप कॉल्ड SAI यानी साई दैट विल प्रोवाइड सिक्योर वॉइस टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विस टू इट्स सोल्जर्स। दोस्तों यहाँ पर अपने सोल्जर्स के लिए आर्मी ने बहुत ही बढ़िया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम देखिए क्या है, SAI। और देख सकते हैं आप भारतीय थल सेना ने SAI नाम से एक मैसेजिंग ऐप पेश किया है जो इसके सैनिकों को सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉल की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। दोस्तों हैकिंग के जरिए यहां पर देखिए आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स जितने भी एप्लीकेशंस हैं चाहे वो वॉइस टेस्टिंग के हो या फिर वॉइस कॉलिंग के हो तो वो आप देख रहे होंगे वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग के जो ऐप्स हैं उसको हैकिंग करके जो हमारे विरोधी हैं हमारे जो है दुश्मन देश हैं वो इसका हैकिंग करके इसका प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय थल सेना ने एक SAI नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसमें हैकिंग के चांसेस बहुत ही कम होंगे और यह बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे देखिए आ चुका है, पॉइंट नंबर 4, एनुअल फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी अवार्डेड टू आर्मी एविएशन यूनिट डिप्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के तैनात सैन्य उड़ान इकाई ने वार्षिक उड़ान सुरक्षा ट्रॉफी जीती है। तो दोस्तों ये काफ़ी देखिए अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आपके तैनात सैन्य उड़ान इकाई है उसने वार्षिक उड़ान ट्रॉफी यहाँ पर जीत ली है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक इंटाइटल्ड बाय कोरोना रिटन बाय साइंटोनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट CSIR यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ वॉज रिलीज एट ए फंक्शन हेल्ड एट राजभवन लखनऊ बाई मिसेज आनंदी बेन गवर्नर उत्तर प्रदेश। ये देखिए लखनऊ स्थित जो आपका CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित जो आपकी कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइंटून यानी साइंटून आधारित पुस्तक है बाय बाय कोरोना उसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में किया। दोस्तों यहाँ पे कि बुक अगर ना पूछते हैं तो बुक का नाम जो है वो है बाय बाय कोरोना
और उसका लोकार्पण किया है वो आनंदीबेन पटेल ने किया है लखनऊ स्थित राजभवन में। तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये नई नई पुस्तक के बारे में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च द ग्रीन दिल्ली ऐप टू इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन दिल्ली फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड इंश्योर टाइमली अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन सोर्स इन द सिटी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान में हर दिल्लीवासी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन दिल्ली, जी यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ग्रीन दिल्ली नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में कि दिल्लीवासी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली की सरकार ने कौन से ऐप का लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है ग्रीन दिल्ली। और दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि ग्रीन दिल्ली ऐप कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है और कौन से सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेड दैट 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 15, 2021। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 26वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF 8 से 15 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपका जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है KIFF, जो कि 26वां आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो 8 से लेकर 15 जनवरी तक होने वाला है, 8 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक होगा, जो कि कोलकाता में। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कहा है कि वो आपका आयोजित किया जाएगा 8 से 15 जनवरी के बीच में। अब देखिए फिर पॉइंट नंबर 8 क्या है आपके सामने। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज स्टूड एट 119.7 इन सितंबर 2020, विच डिक्लाइंड बाई 0.18% एज कम्पेयर टू द इंडेक्स ऑफ सितंबर 2019। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का संयुक्त सूचकांक सितंबर में 119.7 पर रहा, जिसमें सितंबर 2019 की तुलना में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सूचकांक है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, जो कि आपका 2019 में देखिए यहाँ पर सितंबर 2019 में 119.7 आपका अभी 2020 में रहा, और जो कि सितंबर में जितना भी था उसकी तुलना में देखिए 0.8% की यहाँ पर गिरावट आई है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 9 आपका है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एथनॉल बाई पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। अगर मंत्रिमंडल की बात करते हैं, देखिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पेट्रोल में एथनॉल जो है मिलाने के कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथनॉल खरीद की प्रणाली को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 का, तो देखिए 10 नंबर पॉइंट आपका क्या होने वाला है। द वर्ल्ड बैंक सेड रिमिटेंसेस टू इंडिया वुड फॉल दिस ईयर बाई 9% टू $76 बिलियन ड्यू टू द ऑनगोइंग कोरोना वायरस पैनडेमिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। अगर हम बात करते हैं पर विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक ने यहाँ पर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत प्रेषित की जाने वाली धनराशि की 9% गिरकर $76 अरब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा, यहाँ पे देखिए आपका ये बड़ा फैसला लिया गया है विश्व बैंक के द्वारा, कि इसने जो है कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यहाँ पर जो वैश्विक आर्थिक मंदी है उसी के कारण यहाँ पर देखिए भारत को झटका लगेगा, कि भारत जो है यहाँ पर प्रेषित करी जाने वाली धनराशि है वो 9% गिरकर $76 अरब हो जाएगी। आपको पता है वर्ल्ड बैंक में यहाँ पे हर साल जमा होते हैं पैसे, जो कि यहाँ पर भारत सरकार जमा करती थी, जितने भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है वो सभी यहाँ पे सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 9% डिक्रीमेंट होकर $76 अरब हो जाएगी। फिर देखिए आप पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11, फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की, दोस्तों वो थे केशुभाई पटेल, जिनका 92 साल की उम्र में यहाँ पर निधन हो चुका है। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम चैनल ग्रुप हो, वहाँ पर इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, ताकि डेली करंट अफेयर्स से वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा टेक में गुरुजी, आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने पे आपको डेली के करंट अफेयर्स और डेली के न्यूज़पेपर्स पीडीएफ में मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।